एक्सक्यूज मी, एक्चुअली हमारा यूट्यूब पर चैनल जिस पर पीडब्ल्यू से ऑनलाइन स्टडी करने वाले बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं, तो अभी आप जैसे आईलैंड में तो ऑफलाइन काम उन्हें थोड़ा सा बताते हैं, अभी आपका टेस्ट वगैरह कैसा क्या चल रहा है? टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, मतलब मार्क्स अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। जैसे नीट का टेस्ट का जो पैटर्न होता है उससे थोड़ा हाई लेवल का आईलैंड का टेस्ट का पैटर्न होता है, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। लास्ट टेस्ट में स्कोर क्या आया था आपका? मेरा 330 था। 330 आपका? मेरा तो अभी लो ही चल रहा है, अब तो अप डाउन होता रहता है। मीडियम कौन सा आपका? मीडियम मेरा 450 है। 450 नहीं मतलब इंग्लिश? अच्छा इंग्लिश, मतलब ड्रॉप बता रहे हो क्या? हाँ, नहीं मैं बता रही हूँ एवरेज मार्क्स बता रही हूँ। ओके, इंग्लिश मीडियम है ना। ड्रॉप कौन सा आपका या 12th में थे? नहीं मैं 12th में हूं। ओके, बोर्ड्स कैसी क्या रही आपकी? बोर्ड्स अच्छी रही, एमपी बोर्ड थी। एमपी बोर्ड थी, रिजल्ट आ गया? नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया। बोर्ड्स भी बढ़िया रही थी आपकी। और अभी मतलब आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ड्रीम मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है, बस मुझे तो जीएमसी चाहिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज में। ड्रीम कुछ नहीं, बस मुझे डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बस। ड्रीम मेडिकल, आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कुछ है? मेरे को भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बस। तो मतलब इस बार फिर भी ऐसा लग रहा होगा ना डर कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा? हाँ, फिर क्या करेंगे पेरेंट्स? मतलब पेरेंट्स का तो इतना नहीं है, लेकिन खुद से अंदर से है कि पेरेंट्स को अच्छा प्राउड फील कराना है। और बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बार, फिर अब पैटर्न भी चेंज हो चुका है नीट का, तो अब देखते हैं क्या होता है। और अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी तक आपने पढ़ाई करी, तो अभी इस टाइप इस मोमेंट पर क्या लग रहा है, मतलब चार जो सब्जेक्ट है आपके, उसमें सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा जिसमें आप आग बंद करके अच्छा स्कोर कर सकते हो? बायो। बायो में कौन सा? जूलॉजी। आपका भी जूलॉजी है, तो अभी आप पढ़ रहे हो कि छोड़ दिया? क्योंकि आपका अगर उसमें अच्छा है तो पढ़ तो रहे, अगर पढ़ना छोड़ देते तो भूल जाते, पढ़ना तो जरूरी, रिवीजन सब चीजों का जरूरी। अभी कैसे पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ने का तरीका क्या अभी इस टाइम पर? एनसीईआरटी रीड करते हैं बस डेली। एनसीईआरटी मतलब मैं अल्टरनेट चलाती हूँ, एक दिन केमिस्ट्री और बायो, नेक्स्ट डे फिजिक्स और बायो। एक दिन केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स एंड बायो को पूरा 50% टाइम दे रहे हो आप? ओके, और मतलब जैसे अभी आज जैसे टेस्ट देकर आप घर जा रहे हो, तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, आप जाकर क्या करोगे, पढ़ाई करोगे या फिर जो है वो? मैं 2-3 आवर्स तो एकदम बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगी लेट नाइट। ऐसे मैं डेली लेट नाइट तक नहीं करती हूँ, लेकिन टेस्ट वाले दिन करती हूँ, क्योंकि उस दिन कम पढ़ाई होती है इसलिए। एनालिसिस नहीं करते हो आप? हाँ करते हैं, वो मैं नेक्स्ट कल करूँगी, आज क्या करूँगी तो फिर वो मूड खराब हो जाता है, इसलिए कल करूँगी। तो एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता है? 1 आवर। 1 आवर में हो जाता है? हाँ। अब स्टार्ट से करते आ रहे हो? हाँ। तो अभी तक एनालिसिस में सबसे मेन कौन सी चीज़ें हैं?